अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? आ गए हम एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, मेरी अनोनिमस की पब्लिक। आप लोग इतना ज्यादा मेंशन कर रहे थे तो हम लोग आज करने वाले सेइंग यस टू अमीन यानी मेरा भाई फॉर 24 आवर्स। अब मजा आएगा। चलो भाई, अमीन साहब आपका दिन है आज, जो बोलोगे हम लोग वो करने वाले हैं। सबसे पहले क्या किया जाए? यार भाई बड़ी गर्मी हो गई, मुझे गर्मी लग रही है, तो सबसे पहले छतरी लेके आओ। क्या लेके आओ? छतरी। छतरी, चलो जी छतरी ले आते हैं। हाँ जी, मिल गई छतरी जी। अब यार भाई मैं पकड़ के थोड़ी ना रखूंगा छतरी, अब मुझे इनमें से कोई बंदा दो। तो यार तेरे तेरी बातें मान रहे हैं भाई हम, जो तू बोलेगा वो बंदा आएगा तेरे पास। कौन सा बंदा चाहिए? सिराज को दे दो यार। लंबा? हाँ, आ जाए लंबे साहब, छतरी आपने पकड़ के रखनी है। हैप्पी? हैप्पी। और कुछ होगा तो बता देना, अभी मैं जा रहा हूँ। तो भाई अब एक काम का टाइम, बड़े आराम कर लिया आप लोगों ने। खैर ये बंदा जो है ना, ये मेरे साथ अच्छा रहता है, तो मैं इसको ना कम सजा दूंगा, इसको मैं अपना गार्ड बना लेता हूँ। बॉडीगार्ड? हाँ बॉडीगार्ड। अच्छा चलो सही है, जो काम नहीं करेगा ये उससे जाके पूछेगा। चलो सही है। ए, वीडियो स्लोमो नहीं है, मैं खुद स्लोमो हूँ। नजर नहीं आ रहा, एक मिनट। अब ठीक है, ये कैमरा है, अब आ रहा नजर। चलो जी हम बंदे रह गए आप पांच, एक दो तीन चार पांच, दो काम भाई। हाँ याद आया, आप लोग मुझे ना बहुत ज्यादा काम देते हो आप तीनों। कौन कौन? ये मुबीन भाई, सर चाचू और आप। अच्छा हाँ, मैं भी आपको मैं सही मान लूंगा। अरे भाई मुझे ना जोक सुनाएंगे। हारिस भाई क्या सुनाया करेंगे? जोक। आ जाए हारिस भाई, ये तो मेरे ख्याल भाई इन्होंने 4v4 की टीम बना ली। एक तरफ इन्होंने कर दिए ये चार बंदे, ठीक है, और मुझे लग रहा है ये हमें रगड़ेंगे। अच्छा खैर अब जोक सुनाएं। चले यार जोक सुने। बड़ा एक चूंटी होता है ना, वो जाता है। क्या होता है? एक चूंटी होता है, चूंटी छोटा सा, तो वो जाता है हाथी के पास। हाथी के कान में कुछ कहते हैं पर हाथी मर जाता है। क्या उसने बोला? वो क्या बोला यार? उसने बोला मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला। ये जगह कितनी गंदी हुई हुई है, यहाँ पे जाके आप सफाई करो। चलो चलो काम पे लगो। मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये ना बड़े अरसे से इंतजार में था, रोज बता रहा होता था अमीन भाई कमेंट्स देखो, सेइंग यस टू अमीन आ रहा है, सेइंग यस टू अमीन आ रहा है, बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा मैं झाड़ू लगाऊं? झाड़ू लगाओ। इतना लगो, काम करना सही से, इसकी बात ना मानी ऐसी मैं खुल चढ़ाऊंगा ना सारों की, तुम याद रखोगे सात नस्ले कि हमारे पर दादा की खुल चढ़ी थी किसी से। बस भाई खुल क्या होता है? खुल चढ़ी। बॉडीगार्ड पंगे नहीं लेना, सही है क्यों बॉस? बॉस बॉस ये फाड़े ना आप, ये फाड़े। ओए मैं क्या, तू बॉस कचरा ला के फेंक देते हैं इधर। इनमें ये आपसे इतना बुरा कर रहे हैं, इनके साथ क्या होगा? अपना हमने बोला है सेइंग यस टू, फिर अमीन को जवाब देना पड़ेगा। ये कचरा फेंकने वाला आइडिया साइलेंट का था, वो है छोटा है, उसको इतना वीडियो शूट का पता नहीं है, पहली बार उसके हमको बात मान रहा है, साइलेंट पंप कर रहा है उसको। मैं तेरे साथ हूं यार हमेशा के लिए, टेंशन ना ले। अब वो देख रहे हो पिंजरे? हाँ जी। कोई नीला है कोई हरा है, सबको ब्लू करो, ब्लू पेंट करो। चलो ठीक, आप भी यहाँ पे खड़े हो, जल्दी से मेरे लिए यहाँ पे छुपाई का इंतजाम करो। चलो जो जनाब जल्दी, जल्दी 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 जल्दी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? खाने पीने के लिए लेके आए क्या खाएंगे आप? हाँ हम चारों के लिए ना लॉलीपॉप लेके आओ। लॉलीपॉप खाएंगे? हाँ लॉलीपॉप ले आते हैं। जल्दी जल्दी यार, इनके लिए इतनी दूर दुकान जाना पड़ेगा मुझे, इतनी धूप है। वो आपके लिए चार भाई आ गई है, इसे और कोई बॉस काम दे, ये बेला खड़ा है। ओ हाँ, आप जाके वॉशरूम साफ करो, बड़ा गंदा हुआ है। जल्दी 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 बॉस, आप पहले बैठेंगे कि मैं बैठता हूँ ना? मैं बैठ जाऊँ? सॉरी मैं बैठ जाऊँ? नहीं खड़े रहो आप, बैठ जाओ। ये लो खोल के दो इनको, खोल के। हाँ जल्दी जल्दी पहले बॉस को खाने दो। बॉस आपके लिए, पकड़ उसे भी दे। बॉस मैं धूप में खड़ा हूँ तो मैं क्या करूँ भाई, मुझे लॉलीपॉप खाने दो। बॉस धूप सर पे है, मुझे भी अंदर बैठने दे। हरीश भाई जोक सुनाए। मरा अभी तो सुनाए, फिर से सुनाए। अच्छा तो हाथी और चूंटी का ना बड़ा अच्छा सा दोस्ती हो जाए। अच्छा दोनों मिलके पिकनिक टूर प्लान करते हैं, बाइक पर जाते हैं, रास्ते में उनका बड़ा खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हो जाए। बट हाथी को बहुत ज्यादा चोटें लग जाती, चूंटी को कुछ भी नहीं होता। पूछो क्यों? क्यों? वो तो मेरे को भी नहीं पता। बॉस वैसे ना तुम पूरा दिन जो की सुनते रहना, मेरी कान में बात सुनो।
हाँ बात तो तुमने सही की है, जाओ ये काम नहीं कर रहे सही से, जाओ इनसे काम कराओ। ओके बॉस। गुस्से लाते ही मारना। ठीक है। तुम्हारा जो वो दोस्त है क्या नाम है उसका, जिन, हाँ उसको बुला के लाओ, वो गाना बड़ा अच्छा गाता है। ओके बॉस, मैं भी लाया। उठ, बाहर चल, चल बाहर। मेरे क्या बाहर चल, बॉस के पास चल, चल। हाँ भाई, चल साहब। हाँ ठीक ठाक काम कर रहे हो कि नहीं? ठीक कर रहा हूँ मैं यार। मैदान से कट्ठे हो, कट्ठे हो, जाओ। झाड़ू मारने को क्या बैठने को नहीं? चलो जरा मैदान में इकट्ठे हो जाओ। गार्ड से पंगे हो रहे हैं, चले जाओ। मुझे कहा गया था कचरा साफ करने, मैं कचरा साफ कर रहा हूँ। जमीनी कचरा, इंसानी नहीं जाओ। बॉस अब मैं बताऊँ, पता इन्होंने क्या करना है? क्या करना है बस बताओ। अब जिन भाई गाना गाएंगे और आप सब डांस करोगे पूल के अंदर। हम सिंध में रहने वाले, सिंधी मेहमान नवाज है सारे, मछली पल्ला खिलाऊ तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मेहमान नवाज है सारे, यार बस यार बस इतना भाई यार, डांस बस करो। अब मुझे बताओ स्टार जू में चल क्या रहा है? ठीक है बॉस, आओ आपको दिखाते हैं स्टार जू में क्या चल रहा है। ये है हमारा फजूल तरीन मुर्गा, फजूल तरीन मुर्गी, इनको हमने ऐसे ही पाल रखा है। ठीक है, जो ये सील मुर्गियां ना, इनमें से दो अंडे दे रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन से वाले अंडे देती है, कोडू और उसकी दो बेगमे। पहले कोडू और उसकी एक बेगम थी, इन्होंने इतने ज्यादा अंडे दिए कि मैंने खुश होके फिर यहाँ पर एक और कोडू की बेगम ऐड कर दी। ये दो डक्स हैं, ये बहुत दूर से आई हुई है हमारे पास ना, हर शहर से एनिमल्स आते हैं। हम मुल्तान से लाए हुए चीजें, बिहारी से लाए हुए चीजें, झंग से लाए हुए चीजें, सखर से लाए हुए चीजें, रोड़ी से लाए हुए चीजें। मेरा ये गोल है कि हम ना पाकिस्तान के हर शहर से कुछ ना कुछ लेके आए और अपने स्टार जू में रखें। अरे बस करो यार, अब दूसरा दिखाओ। ये हमारे 100 चूजे हैं, ये हम 100 लेके आए थे, लेकिन इनमें से काफी ज्यादा ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। उसका कुछ रीजन है बीमारी की वजह, उसका कुछ रीजन है बड़े जानवर मारते थे, हमारा टर्की बर्ड है उसने काफी मारे हैं, तो उनको काउंट नहीं किया। बट मेरे हिसाब से शायद ये 70 के आसपास बचे, जो कि नॉट बैड, हमने 100 से 70 बचा कर रखे हैं। ये है मोटू और उसकी दो बेगमें। पहले इनकी जो कम कलर वाली बेगम है वो बहुत अंडे देती थी, अब जो डार्क कलर वाली बेगम है वो अंडे दे रही है, तो मोटू जो है नॉट बैड, फायदा देके जा रहे हैं। असील मुर्गा काफी अच्छा है, इसके साथ हमने काफी असील मुर्गियां छोड़ी हैं और हमें काफी अंडे मिलते हैं। यहाँ थोड़ी सी बैड न्यूज है कि हम जब अपने पॉलिश हैंड्स लाए थे वो बीमार थे, हमने वीडियो में बताया था कि वो बीमार है, हमने काफी कोशिश की, जो फीमेल थी ना वो ठीक नहीं हो रही थी, तो वो एक्सपायर हो गई, अल्लाह पाक जरा हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, लेकिन स्टिल हमने कोशिश की और वो बीमार भी थी, हमने इनके बाल भी काटे थे गर्मी की वजह से। जो मुर्गा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो फीमेल है उसका मुझे बहुत दुख है, और जब इतनी चीजें होती हैं तो ये चीज चलती रहती है कि बच्चे निकलते भी हैं और कुछ चीजें एक्सपायर भी करती हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख है इसका। तो हम इसकी बेगम लेके आएंगे। ये क्या हो रहा है जनाब? ये जो है ना, हमने मजदूर अंकल को बुलाया और वो पूरा प्रॉपर तरीके से हम तो पिंजरे बना रहे हैं हमारे लिए, हम इनको पेंट करेंगे, प्लास्टर करेंगे, खूबसूरत दरवाजे बनाएंगे और खूबसूरत तरीन चीजें यहाँ पे लेके आएंगे, जो की एक सरप्राइज है, आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाहर लेके चलो, बाहर का दिखाओ क्या। ठीक है जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है हमारी दो गायें, एक ये रेड कलर की है, एक व्हाइट कलर की है। ठीक है, इनसे हम अपना दूध जो हमें यहाँ पे चाहिए होता है वो चाय का, नाश्ते का, रोटी छोटी, डॉग्स के खर्चे दूध के, और साथ में जो बच जाता है वो हम घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे दूध की कमी स्टार जू में और घर में पूरा करती हैं दो गायें। बस कर अगले जानवर पे लेके जाए यार। बॉस ये जो है ना, ये वेड़ा है जो चौधरी साहब और सदर साहब ठग लगवा के आ गए, ठग लगवा के, तो ये खीरा निकल आया। अब हमने डिसाइड किया हम इसको अगली कुर्बानी पे इस्तेमाल करेंगे, तब तक हम इसको पालेंगे, पोसेंगे, इसको बड़ा जवान गबरू बनाएंगे और एक साल तक इसकी खिदमत करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ठग लगा है, तो इस जानवर का नाम भी हमने ठग रख दिया। और कुछ जाऊँ मैं पानी पी लूँ जाके? थैंक यू यार, बड़ा टाइम हो गया जोक नहीं सुना। हरीश भाई जोक सुनाए। तुम्हारा सुनो फिर। बाबा जी कहते हैं कि अगर बीवी से तुम्हारा कोई लड़ाई हो जाए तो कसूर कसूर का नहीं गलती का होता।
ये ना शाम को मैच खेलते हैं और ये मेरी पिदी लाते हैं, मैं दो तीन बॉल पे आउट हो जाता हूँ और ये पूरा मैच में मेरे से फील्डिंग कराते हैं। तो आज मैं इनसे सही वाला बदला लूंगा, जाओ सबको बुला के लाओ और चलो बाहर निकलो, चलो बॉस ने कह दिया चलो। ओए सारे बाहर निकलो, ओए आ गया, ओए आ गया, ओए सारे भीगे बाहर निकलो, ओए सारे भीगे बाहर निकलो। आज मेरा दिन है, अगर किसी ने मुझे आउट या किसी ने मेरा कैच पकड़ा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलो मुझे आप बॉलिंग कराओ। चलो बॉस। बॉस क्या इनकी पंचर कर दिए टांगे आपने, ये छतरी छतरी। यार आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते ना 24 आवर्स जमीन के साथ, तो हमने थोड़ा सा फन में किया है। बाकी सबसे छोटा है तो सारे ख्याल तो रखते ही है इसका, खाने पीने में हर चीज में, और जो हमारा है जो मेरा है वो इसका है, ठीक है, तो वो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे चैलेंज अच्छा किया, हमने थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मजीद ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे। क्या था छतरी 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 इधर कहाँ गई क्या था वो ऐसे टीम स्टार को हमें प्यार दिखाते रहो, हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहेंगे। दिल से लव यू, अल्लाह हाफिज़।